हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैया की रसोई कान्हा की फुलवारी। आज हम जन्माष्टमी स्पेशल मखाने की खीर बनाएंगे, जो बहुत ही पौष्टिक होती है, जल्दी बन के तैयार हो जाती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मखाना की खीर बनाने के लिए हमने ये एक कटोरी के लगभग मखाना ले लिया है। इसको देसी घी में थोड़ा सा भून लिए हैं, इस तरह से कुरमुरा हो जाना चाहिए। और ये थोड़ा सा पिस्ता और चिरौंजी है, आप मेवा अपने पसंद कोई भी डाल सकते हैं। और इसी चम्मच से, डेढ़ चम्मच के लगभग छोटे चम्मच से सिंघाड़े का आटा है, जिसको हमने भून लिया है। सिंघाड़ा ले करके कूट करके हम इसका आटा बनाए हैं, आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं। और चार पाँच चम्मच के लगभग इसी चम्मच से चीनी है, चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। दूध हमने 3 पाव लिया था, दूध हमारा खौल करके 1/2 लीटर बचा है, दूध हमें थोड़ा सा खौला लेना है। अब हम सबसे पहले मखाने को मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा महीन हमें नहीं करना है। मखाने को हमने ग्राइंड कर लिया है, इसमें से कुछ खड़ा है और कुछ पिस भी गया है। अब हम अपने दूध की तरफ आते हैं। दूध में हम चीनी डाल देंगे, चीनी आप जितना मीठा पसंद करते हो उस हिसाब से, 1/2 लीटर दूध के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। इसमें हम अपना सिंघाड़े का आटा डालेंगे, आप देख सकते हैं इतना आटा है। फ्रेंड्स, सिंघाड़े के आटे को डालने का पर्पज़ ये है कि हमारी खीर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। सिंघाड़े के आटे में ही हमने 3 छोटी इलायची पीस ली थी, आप चाहें तो अलग से भी पीस सकते हैं। अब हम इसमें मखाने को डाल देंगे पिसे हुए। सारी तैयारी करके हम इसलिए खीर बना रहे हैं जिससे वीडियो बहुत लंबा ना हो। बिना रोस्ट किए हुए मखाने के लावे की खीर नहीं बनाई जाती, क्योंकि गल जाएगा और स्वाद भी नहीं आएगा, इसलिए इसे रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बस 2 मिनट तक इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। झटपट हमारी मखाने की खीर व्रत के लिए बन करके तैयार है। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी आने वाली है, इसलिए हम व्रत वाली एक एक रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, खीर हमारी तैयार है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि दूध को हमने पहले से ही गाढ़ा कर लिया था। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फ्रेंड्स, खीर हमारी बनकर के तैयार है, आप देख सकते हैं। अभी ये खीर जब ठंडी होगी तो और गाढ़ी होगी। इसकी अब हम पिस्ते से और चिरौंजी से गार्निशिंग कर देंगे। इस तरह से आप मखाने की खीर व्रत में बनाइए, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। और यदि खीर का वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आगे हम किसी नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।